वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर वन, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, श्रेष्ठ वंश को, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है, तो इनमें से प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, रामायण। तो रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, इसे आदि काव्य कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को भी आदि कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मनुस्मृति प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, पाणिनि है प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर एट, अथर्व का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, पवित्र जादू होता है अथर्व का अर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीही शब्द। क्वेश्चन नंबर टेन, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था यव? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर इलेवन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती थी तब प्रतिलोम विवाह माना जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर टेन, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका उत्तर उत्तर वैदिक काल में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिपोर्ट ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, कौन सी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, विदित। तो विदित ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 66, सभा और स्मृति, सभा और स्मृति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है अथर्ववेद। तो सभा और स्मृति
प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा वेद असतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यजुर्वेद, असतः गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 68, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में संभवतः। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी नदी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है सिंधु नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। क्वेश्चन नंबर 70, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कहाँ के शासक थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी केकय के शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति। क्वेश्चन नंबर 71, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कठोर उपनिषद से में प्राप्त होता है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान। क्वेश्चन नंबर 73, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 74, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो किस युग में हुई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी वैदिक युग में हुई है, सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है सांख्य, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी गणतंत्र थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 78, वैदिक युगीन सभा तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी वैदिक युगीन सभा। क्वेश्चन नंबर 78, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कहाँ से पता चलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 80, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान तयी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र प्रस्थान तयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, तो अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 85, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, सुल्व सूत्र या सल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ज्यामिति, ज्यामिति से संबंधित या प्रमेय त्रिकोणमिति सल्व सूत्र इस विषय से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 87, अस्तु मा सदगमय
कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ऋग्वेद से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय। क्वेश्चन नंबर 88, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी दर्शन पर पुस्तक है उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 89, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे कौन जाने जाते थे? तो इसका उत्तर है स्वर्ण आभूषण, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 91, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है गौतम, महर्षि गौतम ने किया था न्याय दर्शन को का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 92, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ऋग्वेद, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में, तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मण युग से जुड़ा है, 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल। क्वेश्चन नंबर 95, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पुरुषिणी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 9वा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 97, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है बादरायण, तो बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 98, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जैमिनी, महर्षि जैमिनी है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 99, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी पंजाब में बसे थे, आर्य भारत में बाहर से आए थे और पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 100, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो। कृपया कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इसका उत्तर ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो आम इंसान के द्वारा नहीं की गई है, ये देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।